वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया अध्याय, जो कि है अध्याय 5। उसका क्या नाम है? लिंकन की दाढ़ी। तो लिंकन कौन है और उनकी दाढ़ी का ऐसा क्या है इस पार्ट का नाम, कि इस पार्ट का नाम उन्होंने रख दिया कि लिंकन की दाढ़ी। तो हम आपको बताएंगे कि क्या है लिंकन की दाढ़ी के पीछे की पूरी कहानी। तो बहुत पहले की बात है, एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था ग्रेस। किसके बारे में बात कहा उन्होंने कि एक बहुत पहले की बात है और एक छोटी सी लड़की की चर्चा इसमें की है और उसका नाम बताया है उन्होंने ग्रेस। एक दिन उसके अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देखा। उसने क्या किया, एक दिन अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र, एक फ़ोटो देखी। वह चित्र उस देश के एक बड़े नेता का था। किसका था वो फोटो? उस जिस देश में वो रहती थी, उस देश के एक बड़े नेता का। ग्रेस बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। ग्रेस क्या कर रही थी? बहुत देर तक उस चित्र को, यानी उस फोटो को देख रही थी। फिर उसने पेंसिल उठाई और नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। उसने पहले बहुत देर तक देखा उसको, और देखते हुए उसने क्या किया कि एक पेंसिल उठाई और उसने उस फोटो के ऊपर क्या कर दिया, दाढ़ी बना दी। जब ग्रेस के पिताजी ने यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित का मतलब होता है गुस्सा। जब जैसे ही उसके ग्रेस के पिता आए तो उन्होंने देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने डांटते हुए कहा, ग्रेस यह क्या बदतमीज़ी है, यह तुमने क्या किया। उन्होंने ग्रेस को डांटा और क्या कहा कि यह क्या बदतमीज़ी है, यह तुमने क्या कर दिया। ग्रेस डर गई और रोने लगी। उसने क्षमा मांगते हुए अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते। क्षमा मतलब माफ़ी। ग्रेस ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि पिताजी, मुझे यह लगा कि यदि हमारे प्यारे नेताजी के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध कम हो गया। उन्होंने चित्र को फिर से देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे, ग्रेस शायद तुम ठीक कहती हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस कागज कलम लेकर लिखने बैठी। उसने लिखा। जब उसके पिता ने उसकी बात को सुना, फिर उन्होंने भी थोड़ा सोचा, और उसके बाद जब वो वहाँ से चले गए तो ग्रेस ने क्या किया, एक कलम और कागज़ उठाया और उसने लिखा। तो उसने क्या लिखा है, उसने एक पत्र लिखा जिसमें डेट दी है 15 अक्टूबर 1860। कितना दिया है? 15 अक्टूबर 1860। तो उसने उस पत्र में लिखा कि प्रिय महोदय, मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ। आपको उसकी उम्र याद रखना है, ग्रेस कितने साल की है, 11। तो उसने लिखा कि मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ, आप हम सबके प्यारे नेता हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। ग्रेस ने क्या लिखा है कि वो क्या चाहती है कि आप वो ग्रेस चाहती है कि आप हमारे क्या बने, राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा, चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख ले, दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे। उसने क्या लिखा कि मैंने आपका चित्र देखा, उसमें आप बहुत दुबले लग रहे थे, और यदि आप दाढ़ी रखें तो आप बहुत अच्छे लगेंगे, तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपने मेरे जितनी कोई लड़की है, यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें, आपकी ग्रेस बीडल। उसने क्या लिखा कि यदि मेरे जितने बड़ी आपकी कोई बेटी है तो उसको मेरा नमस्ते, और उसको कहिए कि पत्र मुझे लिखे। और उसने अपना पूरा नाम क्या लिखा है, आपकी ग्रेस बीडल। उसका नाम पूरा क्या है, ग्रेस बीडल। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर लिखा। पत्र पाकर ग्रेस को तथा उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। जैसे ही वो नेता को ग्रेस का पत्र मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत क्या किया, ग्रेस को वापस पत्र लिख दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद नेता ग्रेस के गांव में आए। जिस गांव में ग्रेस रहती थी, तो कुछ दिनों के बाद नेता वहां पर आए। गांव के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। भाषण के बाद नेता ने कहा, इस गांव में एक नन्ही बच्ची ग्रेस रहती है, उसने मुझे पत्र लिखा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच से होती हुई उसके उनसे मिलने पहुँची। नेता ने कहा, नन्नी मुन्नी, आखिर मैंने तुम्हारा सुझाव मान लिया, यह देखो मैंने दाढ़ी रख ली। ग्रेस ने पत्र में लिखा था कि आप दाढ़ी रखेंगे तो आप बहुत अच्छे लगेंगे, और आपको वोट भी ज़्यादा मिलेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। और जब वो एक दिन ग्रेस के गांव आए तो उन्होंने ग्रेस से मिले और ग्रेस को कहा कि देखो नन्नी मुन्नी, मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने क्या रख ली है, दाढ़ी रख ली है। क्या आप बता सकते हैं एक नन्ही सी बच्ची की बात को इतना महत्व देने वाले यह नेता कौन थे?
यह थे अमेरिका के लोकप्रिय और महान नेता अब्राहम लिंकन। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, तो वो कहाँ के लोकप्रिय नेता हैं? अमेरिका के लोकप्रिय नेता थे, जो आगे चलकर हम अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जो कि ग्रेस चाहती थी कि वो किस पद पर आए, राष्ट्रपति पद पर, और वो आगे चलकर सच में राष्ट्रपति बने। तो इस कहानी को हमने सुना और उस छोटी सी बच्ची की बात उन्होंने मानी। और वो किसकी चर्चा कर रहे थे हम इस पूरे पार्ट में, और लिंकन की दाढ़ी, इसका क्या मतलब निकला? तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि वो जो लिंकन थे वो कौन थे? अब्राहम लिंकन, जिनका नाम आपने सुना होगा। और उनको किसने पत्र लिखा था? ग्रेस ने। किसके लिए उन्होंने प्रेरित किया उसको, उनको, कि भाई आप क्या कीजिए, अपने चेहरे पर दाढ़ी रख लीजिए। और मैं फिर से उनका नाम बता दूं कि वो थे अमेरिका के लोकप्रिय और महान नेता, और उनका नाम था अब्राहम लिंकन, जो कि क्या थे? एक अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस जो मैंने आपको अध्याय पढ़ाया है, इसी के अकॉर्डिंग आपके सामने दो प्रश्न हैं, जो कि पहला है कि ग्रेस किस देश की लड़की थी। तो किस देश की लड़की थी ग्रेस? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि वो अब्राहम लिंकन जो थे कहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तो ग्रेस भी वहीं की रहवासी होगी। तो किस देश की रहवासी थी वो, आपको ये खुद को करना है। ग्रेस के कमरे में किसकी तस्वीर टंगी थी? किसकी तस्वीर टंगी थी ग्रेस के कमरे में? ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका प्रश्न भी आपको स्वयं करना है हल। और प्रश्न, पत्र लिखने के समय ग्रेस की उम्र क्या थी? मैंने आपको कहा था कि ग्रेस की उम्र आपको याद रखना है, तो यदि आप भूल गए हो तो मैं फिर से बता दूं, ग्रेस की उम्र थी 11 वर्ष जब उसने अब्राहम लिंकन जी को पत्र लिखा था, जब उसकी उम्र क्या थी? 11 वर्ष थी। तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।